जगदवंद स्वामी विशद चरितो नाम तुलसी। जगदवंद स्वामी विशद चरितो नाम तुलसी। आचार्य तुलसी परिचय है एक परिव्राजक जैन संत का, अनुव्रत अनुशास्ता का। तुलसी शताब्दी वर्ष का आयोजन एक अवसर है उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व की रश्मियों से आलोकित होने का। आचार्य तुलसी का मानना है बाहर की यात्रा के लिए साधन चाहिए और भीतर की यात्रा के लिए साधना। साधना के अनेक रूप हैं, साध्य एक ही है, निज से निज का साक्षात्कार, पहुंचना है सिद्धि के द्वार। प्रस्तुत है जैन साधना के आयाम। इस संसार में सबसे पहला कोई मुनि, साधु, भिक्षु, ऋषि, फकीर बना तो आदम बना, आदम बाबा। अनेक जिसके नाम है, कोई आदम कहते हैं, कोई बाबा कहते हैं, कोई ऋषभ कहते हैं, कोई कुछ भी कहते हैं। सबसे पहला मुनि, सबसे पहला ऋषि अगर हुआ तो आदम हुआ है। तो कल्पना करना एक बात है, किंतु उस कल्पना को आकार देने वाला व्यक्ति बड़ा होता है। हमारे यहाँ दोनों की बात, आकार कल्पना ही उन्होंने दी, आकार ही उन्होंने दे दिया। कल्पना मार्क्स ने दी, आकार मार्क्स ने नहीं दिया, कोई दूसरा देने वाला हुआ। हाँ, बहुत अंतर रह गया, वो भी ठीक लगी नहीं। फिर भी नहीं, कितनी कितनी कल्पना लोग दे देते हैं। मैं तो मानता हूँ ऐसी कल्पना देना भी नहीं चाहिए जिस कल्पना को स्वयं साकार नहीं करे। अनेक बातें मेरे मन में आती है कि मैं मौन हो जाता हूँ, ये समझ के कि भाई ये कल्पना को हम अब शायद मैं साकार नहीं कर सकूँगा। कल्पना वही दें जिसको साकार कर सके। आखिर आप जानते हो उम्र का तकाजा है, शक्तियों का तकाजा, सबकी स्थितियाँ होती है। केवल दिवास स्वप्न लेना ठीक नहीं, हमें भरोसा है सबके पास में दिमाग है, चिंतन है, मनन है, कार्यान्वयन शक्ति है, सब करेंगे करने वाले। इसलिए ऋषभ को लाखों लाखों सालों बाद देना चाहिए। प्रथम कथम इस बात की उन्होंने कल्पना की और कल्पना को आकार दे दिया। और जिन्होंने कल्पना नहीं की, आकार नहीं, कोरा अनुकरण किया, ये सबके सब भाग छूटे। अनुकरण किया, कोरा अंधा अनुकरण, 4000 राजा राजकुमार ऋषभ के साथ हो गए। कोई कल्पना नहीं, कोई चिंतन नहीं, करने का कोई ज्ञान नहीं, साथ साथ हो गए तो परिणाम ये हुआ है। कोई मूलाहारी, कोई कंदाहारी, कोई त्वचाहारी, कोई फलाहारी, सब फलाहारी बन गए। कल्पना, इस कल्पना के साथ में बहुत सारी बातें बताई गई। जैन तीर्थंकरों ने दो मार्ग साधना के बताए, दो धर्म कहें, दो मार्ग कहें, अगार धर्म में, अनगार धर्म में। अगार धर्म घरवासी का धर्म, गृहस्थ का धर्म। अनगार धर्म में गृह त्यागी का धर्म। अगार धर्म गृहवासी का जो धर्म है ऐच्छिक है, जिस सीमा तक स्वीकार कर सके करें, सीमा है उसकी। अमुक सीमा तक अहिंसक रहूंगा, अमुक तक सत्यवादी रहूंगा, अमुक सीमा तक ब्रह्मचारी रहूंगा, अपरिग्रही रहूंगा। अनगार धर्म है उसमें अमुक सीमा नहीं है, निश्चिम पूर्ण अहिंसक
पूर्ण सत्यवादी पूर्ण अपरिग्रही, अणुव्रत और महाव्रत का यह फर्क है। तो जैन तीर्थंकरों ने दोनों मार्ग बताए अपने प्रवचन में उपदेश में, पर यह बल दिया जिसके पास स्वयं परम पुरुषार्थ है वो अनगार धर्म को स्वीकार करे, संन्यास को स्वीकार करे, कमजोर दुर्बल है वो गृह धर्म को स्वीकार करे। एक शर्त लगा दी, अपना अपने आप को कमजोर दुर्बल क्यों, कोई क्यों क्यों माने? तो मनुष्य चाहेगा जाने भाई मैं क्लीव तो नहीं बनूंगा, कमजोर तो नहीं बनूंगा, शक्तिशाली बनूंगा, बन जाओ सर्व आगम के आधार पर। उत्तराध्ययन सूत्र का पहला पद दी संजोगा अव्यपमुक्त से अणगारस विक्षुणो, ये तीन बातें हैं। सबसे पहले अगर कोई साधु बनने की बात ठाने उसे संयोग से मुक्त होने की बात सोचनी चाहिए। कोई मेरी माँ नहीं रहेगी, कोई मेरा पिता नहीं होगा, कोई मेरा भाई नहीं होगा, मामा नहीं होगा, मेरी पत्नी नहीं होगी, मेरा पति नहीं होगा, मेरा बेटा नहीं होगा, मेरा कोई बाप नहीं होगा, बल्कि मेरा कोई साथी नहीं होगा। यहाँ सोचेंगे साथी नहीं होगा, ठीक है, स्वल्प काल के लिए हम किसी को साथी चुन ले मना लें, कोई मेरा साथी नहीं होगा। सब प्रकार के संयोग से मुक्त होके चलने की कल्पना, बड़ी कल्पना है। कैसी करो? एक एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो, अकेला होके निकलो, कोई तुम्हारा साथी नहीं होगा, ऐसी कल्पना। बल्कि यहां तक कि और तो साथी नहीं, मेरा शरीर भी मेरा साथी नहीं होगा, नहीं होगा, जब कभी मैं इसके साथ छोड़ दूंगा, चिंता की बात नहीं, न मकान मेरा साथी होगा, न कपड़ा मेरा साथी होगा, न दूसरे उपकरण मेरे होंगे, कुछ नहीं, ये मेरे कोई नहीं, मैं इनका उपयोग करूंगा, उपयोग करूंगा मैं इनका, किंतु मेरे नहीं होंगे। जिस दिन नायरंति ममायम यो शब्द है, किसी पर ममत्व मेरा ये है, मेरा ये चिंतन मैं नहीं करूंगा, सबसे बड़ा सूत्र ये लिया है, साधु तो बन गया। अब कहता मेरे लतीले वहाँ जाऊंगा, अरे ठीक है लतीले है तो उपकारी हो सकते हैं तुम्हारे, कभी प्रसंग आए जरूर जाओ, मना ही नहीं है। जातिलों से मिला बिना मिले तुम्हारा मन उछल रहा है, ठीक नहीं है। मेरा साथ इतने दिन रहे हैं, उनसे मिल के आऊँ, क्या मिलोगे पता नहीं, कहाँ गए वो? नहीं शहर मिले, मिल कोई दिक्कत नहीं है, मिल गए मिल गए, चिंता ही करते। ये क्यों कहता है? एक बात जो मेरे मन में आती है, तो विशिष्ट उपकार जिसने किया है, विशिष्ट उपकारी कोई हो तो उपकार का ऋण चुकाने की दृष्टि से कोई जाए, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मिलने के लिए एक मेरे साथ मेरे यहाँ मिले हो, क्या करोगे? मिलकर क्या लोगे तुम उनको? ज्ञाति नाती बुढ़ी बहन कल आएगी, 80 वर्ष की होगी अवस्था में, चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, और आचार्य जी मेरी बात सुनो, क्या बात सुनाओ भाई? मेरे नातिनों का तो मसल को मैंने कहा अभी तक भी संबंध तमादी नहीं हुआ, 80 वर्ष का हो गया, फिर भी ज्ञाति भूल नहीं हुई है, ज्ञाति मोगा 80 वर्ष में लोग दादे का नाम भूल जाते हैं। मैंने कल एक भाई से पूछा तुम्हारा नाम क्या, पता नहीं थे बाप का नाम क्या, दादे का नाम हरे राम, बोल दो याद नहीं, बोल दो याद नहीं। मैंने कहा रे तेरा दादे का नाम मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता, फिर कैसा संबंध है ये? बल्कि साधु साधियों को तो इस चीज से और ऊपर होना चाहिए,
मनाई नहीं, दर्शन दो, उपकार करो, सुनाओ, सास तो बहुत ठीक है, किन सहज हो तो ठीक है, सहज नहीं हो तो इसके लिए ज़्यादा उत्सुकता ठीक नहीं। संजोगा व्यपमुख से इस पद्य को बहुत ध्यान दो, बहुत ध्यान दो। आजकल कोई बाहर के परिवार, वियोगी परिवार आते हैं, बहुत दुखी बन के आते हैं, मैं उनको सबसे पहली बार एक ही कहता हूँ कि संजोग आप व्यपमुख से, भाई वियोग नहीं चाहते हो तो संयोग मत करो, संयोग करके वियोग न होने की बात सोचते हो, कैसी भूल करते हो, संबंध तो कर लिया, अब भी संबंध न हो, किया ही क्यों, किया ही क्यों, मतलब क्या था इसका। अगर तुमने संबंध मिलाया है तो निश्चित मान के चलो टूटेगा या छूटेगा, टूटेगा खूटेगा। कुंड में पानी भरा है, सूखेगा, कुएं का पानी सहज चलता रहता है, वह खूट होता है कहीं कहीं। तो संजोग बनाना ही वियोग को निमंत्रण देना है। मैं जानता हूं आपकी बात पसंद नहीं आएगी भाइयों बहनों को, मन में आता है संयोग क्यों करते हैं, क्या फायदा है, फिर मन में आता है कि भाई तुम्हें तुम्हारा क्या अधिकार है, तुम अपना सोचो, संसार अपना सोचे, मैं किसी को क्यों सलाह दूं, मुझे कोई पूछे तो मैं सलाह दे दूं, भाई मेरा मेरी सलाह ये है, सुख का सबसे सस्ता सबसे पहला रास्ता यह है संयोग से बंधो मत। किसी साधु के साथ तुम 20 वर्ष रहे, 30 वर्ष रह गए, ऐसे जकड़ गए, बंद गए, तो वो भी ठीक नहीं है, गलत है, कोई दिक्कत की बात नहीं, रो दिक्कत नहीं, 20 वर्ष रहो, 50 रहो, ज्यादा से ज्यादा हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, बड़ी समाधि है। किंतु बिलग होने में अगर नशें छूटती है तो फिर नया संजोग बना लिया। घर का टावर छोड़ने और अंशेती भाव, टोपा ऊपर टोप लो किसे काम को न्याव, उल्टा क्या टोप ऊपर टोप ला, साधु बने फिर भी एक नया संबंध जुड़ गया, ये ठीक नहीं। तो निश्चित ये मान के सोचो कि संजोग से रही तुम मेरा कोई माँ बाप नहीं होगा, ऐसे हम लोग खुद प्रेरण देते हैं कि भाई तुम उनको दर्शन दो, शायद दो प्रेरण दो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, किंतु उत्सुकता नहीं मन में, ठीक नहीं। पहली शर्त यह है, इस शर्त को अभी हम साधु साधियों को भी गहराई से समझना पड़ेगा, बहुत समझना पड़ेगा गहराई से, जहाँ इसमें बाधा आती है वहाँ मन कैसा रहता है सोचना पड़ेगा। अरे ये तो भाई भाई है, इनको अलग कैसे कर दिया, ये सगी बहने बहने, सगी माँ बेटी, इनको अलग कैसे कर दिया, कौन किसकी माँ, कौन किसकी बेटी, कौन किसका भाई, कौन किसका भाई, पता ही नहीं क्या है, सब भाई, सब बहने, सब माँ, जितनी बूढ़िया सब मेरी माता है, जितनी जितनी, और जितने समवयस्क से मेरी बहने हैं, सब के सब, कोई बाकी वंचित नहीं है, और छोटे उनको बेटियां समझ लो, कुछ भी समझ लो, हमें क्या दिक्कत गए। ये दृष्टि बहुत बड़ी महान दृष्टि है। जब संयोग से मुक्त होने की बात आई तब आई गानगार, सब संयोग छोड़ना है तो घर का संयोग छोड़ना पड़ेगा, फिर अनगार बन जाओ। अनगार, अनगार बनने का मतलब क्या, केवल घर की बात नहीं है, घर से संबंधित जितनी उन्हीं सब से मुक्त हो जाओ। धन घर से संबंधित है, मकान घर से संबंधित है, जमीन घर से संबंधित है, यान वाहन घर से संबंधित है, मोटर गाड़ियाँ गाड़ियाँ ये सब घर से संबंधित है, ये बाग बगीचे सब घर से संबंधित है, छपरे छान सब घर से संबंधित है, बिल्कुल इन्हीं से मुक्त हो जाओ। नहीं कहीं फूस की टपरी भी नहीं, बहुत बड़ा मन में संतोष होता है। इतनी बड़ी विश्व भारती है, इतनी बड़ी विश्व, लोग कहते हैं महाराज का स्थान बन गया, महाराज कल विदा होंगे तो भी कहेंगे भाई जय जिनेन्द्र मकान सब संभालो आपका, हम तो विदा हो रहे हैं, कोई संबंध नहीं हमारा,
सचमुच वास्तव में ये चीज है, हम हैं तो हमारा है, विदा हो के हमारा कोई नहीं है। आपको क्या पता हम साधुओं ने कहाँ कहाँ कितनी कितनी कठिनाइयां झेली है, बड़े बड़े क्षेत्र की कठिनाइयों को जब याद करते हैं तो पसीना छूट जाता है। बारी जाली का काम नहीं, हवा का प्रवेश नहीं, हवा घबराती अंदर आती, अंदर हवा घबराती है, कोई पकड़ ना ले गई। ऐसे मकानों में चार चार महीना तमाशा किया है, दो दो महीना रहे हैं, घोर गर्मी में रहे हैं, सब कुछ सहन किया है, क्यों? हमारा धर्म है ऐसा, किस पर हमारा धर्म है, हमने छोड़ा है, अंधकार बन गए, हमारा कोई मकान है नहीं, फिर क्या करेंगे हम लोग? सब कुछ सहन किया और अच्छा मकान मिल गया, वो भी उसमें रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं, हमें क्या आपत्ति है? मिल गया सहज तो क्या आपत्ति है, बाजरे की रोटी ले, हलवा क्यों नहीं ले, मिल जाए तो हलवा ही ले ले, कठिनाई कुछ नहीं है, हलवे लो, बाजरे की रोटी लो, मक्की की रोटी लो, मक्की घाट लो, जो मिले सहज मिल जाए, ले लो सहज मिले वो ले लो। तो हमारे तीर्थंकर बड़े विलक्षण है, ये कह दिया रोटी का संग्रह मत करो, पानी का संग्रह मत करो, पैसे का संग्रह मत करो, मकान मत बनाओ, तो फिर करें क्या, खाएं क्या, पिए क्या, समस्या तो होगी ना। तो तीर्थंकर तीर्थंकर है, कोई अल्पज्ञानी तो नहीं, सर्वज्ञ थे वो, तो उन्होंने क्या क्या रास्ता दिखा दिया, चिंता मत करो तुम लोग। जो व्यक्ति पजामा पहनता है वो रास्ता भी रखता है, रखना बड़े जरूरी रास्ते पर क्या, अचिंतन का रास्ता बताए वो दूसरा रास्ता ही बताए। तो वहां पद्य क्या है, अहो जिने असावज्जा वित्ति साहुण देशिया मुक्त सहन है उसे साहु जैसे धरना। एक पद्य मार गया, अहो कितना आनंद है, अहो कितना आनंद है, कितना आश्चर्य है, कितनी प्रसन्नता है कि मुनि धर्म के मुनियों के लिए संन्यासी के लिए भी एक वृत्ति बता दी, रास्ता दिखा दिया कि तुम इस तरह से भोजन खाओ, ऐसा भोजन करो, किस लिए? साहु व्यस्त धारणा। तीर्थंकरों ने यह नहीं कहा कि तुम आज संन्यासी बन के आज ही मर जाओ, अनशन करके मर जाओ, खाना पाना बंद करो, बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने कहा जितना बन सके दीर्घ काल तक संयम की साधना करो, दीर्घ काल तक, 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 100 वर्ष, 1000 वर्ष संयमी बने रहो। तो क्या करे वो, चिंता मत करो, साहु देश धारणा, इस देह की धारणा के लिए क्यों है, मोक्ष साधन का हेतु है। ये शरीर निकम्मा नहीं है, शरीर त्याज्य नहीं है, शरीर निर्भर्सनीय नहीं है, मोक्ष साधन का हेतु है, शरीर से मोक्ष की साधना होती है। क्या तुम ऐसा करो, भिक्षा से अपना काम करो, भिक्षावृत्ति, तो भिक्षावृत्ति तो जगह जगह बंद हो रही है, बेगड़ सेक्ट बन रहे हैं, भिक्षावृत्ति बंद करो। क्या भिक्षावृत्ति बंद करो, जैन तीर्थंकरों की भिक्षावृत्ति कोई बंद करने वाला संसार में जन्मा ही नहीं है, मजा लो कोई बंद करने का। आप खाना खाते हो, बैठे हो, वो किसान आ गया, आप अपने खाने का हिस्सा थोड़ा सा हमको देते हो, ये कोई भिक्षावृत्ति है क्या, ये कोई बेगर से है क्या? बिल्कुल नहीं, कोई संसार की शक्ति नहीं कि इस भिक्षावृत्ति को कोई बंद कर सके, भिखारी वृत्ति को बंद किया जा सकता है। क्या आप भिखारी नहीं है क्या, भिखारी है आपके दृष्टि मान लो, पर एक समझ आ गए मारवाड़ में कहावत है भिखारी और टेंगा जी, भिखारी और टेंगा जी, भीगी मांगता है, बोला नहीं ऐसा नहीं, यह नहीं वो नहीं, इतना नहीं उतना नहीं, टेंगा यही बताई बात। घर में गए, क्यों भाई भिक्षा दोगे? हाँ लो, नहीं चलेगा, बिगुड़ के देखा ही नहीं, बोलिए भिखारी टेंगा जी, बिल्कुल ठीक है, अभिमान नहीं, अहंकार नहीं, संघ वृत्ति दो तो ठीक है, नहीं तो नहीं, ये भिक्षा वृत्ति। गड़े पड़ गए शेर साहब, तुम नहीं देखो तो बड़ा काम कैसे चलेगा,
मैदान की गर्द थोड़ा कर दो, ये वृत्ति बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। न मिले तो मरना मंजूर, किंतु ये कार्पण्य वृत्ति बिल्कुल नहीं। उन्होंने ऐसी शुद्ध भिक्षा वृत्ति दिखलाई, क्या एक पद्य में, अन्नाद उन्छं चरई विशुद्धम जवनत्थया समुजानंद नित्यम अलद्वयम नौ परिदेवैजा लद्दों नविकत्थई से पूज्य। आपने कहा मैं साधु ही नहीं, वो पूज्य है, पूजनीय है। कौन ऐसी भिक्षा लेता है? अन्नाद सबसे पहले अज्ञात, परिचित घर से ही नहीं, अपरिचित से भी अज्ञात। पहले चेतावनी देके मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा, ऐसा नहीं, अज्ञात चलेंगे, आज नहीं कल परसों पूछ लेंगे। अपरिचित को भी जाना और ज्ञात किए बिना भी जाना, ज्ञात तो कोई अपराध नहीं है। हम गए आपको साधु आ रहे तो आ रहे, कोई बात नहीं, किंतु ज्ञात होने से किसी और बदल पड़ जाए, ऐसा ज्ञात बिल्कुल नहीं करना। दूसरा उन्छम, कैसा लो उन्छम, उन्छम किसको कहते हैं? उन्छम उन्छ शब्द है, किसान जानते इसको, पहले लावणी होती है, फिर शिलो होता है, फिर उंच होता है। लावणी का मतलब लावणी सब जानते हैं, लावणी खेत की कटाई, कटाई करने के बाद में बहुत सारी चिट्टियां रह जाती है, शिलो करो, दोबारा करते शिलो, फिर बच्चे खुशे रह जाते हैं, तो उंच करो, उंच चुगो। साधु क्या करें, घर में जाके बच्चा खुशा भोजन ले, एक बार तो उसका आपको आप खाओ पी लो और फिर बच्चा को, एक तरीका ये भी, एक ये भी बचा के दे, नहीं खाया आपने तो महाराज मैं इतना दूंगा, इतना बचाऊंगा, वो भी उनसी बचा खुचा ले, या पहले भी दस कर महाराज मैं इतना मेरा खाना है, मैं इतना आपको दूंगा और मैं इतने से काम चलाऊंगा, वो भी लेना। या नहीं रोजाना बनाते हो आधा शेर, आज बनाओ एक किलो, आज दूध लाओ डेढ़ किलो, दो किलो, ऐसा नहीं, जितना तुम्हारे लिए है उसमें से उतना ही दो जितना तुम काम करा सको। अज्ञात उन्छम, कितना शुभ शब्द है, अज्ञात फिर उंच, वो किस लिए? जवनट्ठाई, जवनट्ठाई का मतलब क्या? संयमट्ठाई, संयम की साधना करना है, इसलिए संयम की साधना करना है तो शरीर को रखना है, जब रखता है वो भी समुजानन, एक एक पद समुजानन, एक घर से नहीं, दो घर से नहीं, अमुक घर से नहीं, सांगा दिपमुख से अनगार से भिक्षु क्यों कहा? जब कुछ नहीं यार क्या करेगा, खाएगा कि नहीं, कुछ कहाँ तो रहेगा, कुछ तो पहनेगा, पेट को किराया भरा तो देगा, क्या करेगा? तब का भिक्षु एक रास्ता खोल दिया, उन्होंने रास्ता खोल दिया, भूख लगे तो भीख मांगो और खाओ, ये भीख शब्द अच्छा नहीं है, भिक्षा मांगो, अच्छा क्या सोच रहा है, भीख खो भिक्षा को फर्क क्या पड़ा है, शब्द में बहुत फर्क पड़ता है। भूख लगे तो भिक्षा मांगो, मांगो और खाओ, ठीक है, और ठंड लगे तो कपड़ा लाओ, या मांगा करके ऐसा करके पहन लो, जगह की जरूरत है जाओ मांगो, भाई जगह दो, कोई हमको झुंबड़ी दो, फूस की टपरी दो, कोई रहने की स्थान दो, मांगो लो, जो वस्तु जरूरत हो, सबम से जाइंग होई नथी किंची अजाइंग, साधु के सब चीजें याचित मिलती, याचित कोई मिलती ही नहीं, है ही नहीं भाई, मिले क्या? पानी नौ सुपर सारे हाथ पसारना कितना छोटा काम है, सामने हाथ पसारना मरना बराबर है, किंतु साधु के लिए ये बड़ा काम, जाके हाथ पसारो तो भीख मांगना सबसे नीचा काम है,
और भिक्षा लेना सबसे ऊंचा काम है साधु का। कठिनाइयां भी सुविधा होगी इनकी, इतना ही नहीं ऐसे साधुओं को नमस्कार करो, सिर झुकाओ, पंचांग वंदना करो। अगर कोई ऐसे व्यक्ति को वंदना करता है तो निया गोयंकम्मन खवे ऊंचा गोयंकम्मन निबंधी, कितना अत बड़ा है। जो व्यक्ति साधु साध्यों को नमस्कार करता है, प्रणाम करता है, नीच गोष्ठकर्म को क्षय कर देता है, उच्च गोष्ठकर्म को बांध लेता है। वंदना में कैसे कैसे वे पंचांग प्रणत, पांचों अंग नमा के वंदना जानते नहीं बहुत लोग। आज अब तो भी बहुत सारे श्रावक श्राविकाएं वंदना की विधि नहीं जानते, वंदना को तो पता नहीं, दूर से वंदना कैसे करती है कि वो ऐसे स्थिर इलाके कर देती है, ऐसे नहीं है। वंदना की विधि है तो लक्षिणा देके एक दो ऐसे ऐसी प्रदर्शना प्रदर्शना नहीं जानते हैं। प्रदर्शना मतलब क्या, ऐसा पूरा राउंड नहीं, विधि है पूरा राउंड होना चाहिए, सिर के ऊपर तक ध्यान से लेख लो सर, यहाँ से चलो प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा देके फिर झुको, पांचों अंगों को नमाओ, सिर को नमाओ, घुटनों को नमाओ, हाथों को झुकाओ, जमीन तक पांचों को एक साथ कर लो, ऐसी वंदना करो मेरी बात। और इस वंदना से क्या हो गया है, वंदना से बड़ा भारी लाभ हो गया है, अनंत अनंत कर्मों के बंधन टूट जाएंगे, इतना महत्व दिया है। तो आज देखिए ये सिर माँ बाप के पैरों में झुकता नहीं, ये सिर सम्राटों के पैरों में नहीं झुकता। एक इतना सा साधु आज का दीक्षित, ये छोटा मुनि बैठा हमारे पास में, बड़े शुभ आदमी आता है, मुनि जी महाराज वंदना करो, हाँ आपको पक दो, मुझे पक दो, वंदना करता हूँ। किस विधि है ये, हमारी सवणियां बैठी है, समय है। व्यक्ति को मेरे पास में आए, बोला सर जी क्या हमारे समझ में अंकन नहीं है। अरे अंकन क्या नहीं है, ये सवणियां कितना बड़ा त्याग कर रही, कितना बड़ा काम कर रही है, हम इनको पूरा उपचार पूरा विधि पर बहते नहीं देते, पूरा हाथ में नहीं चलते, इनको नमस्कार नहीं करते, अंकन नहीं, उलाना दिया मुझे, अंकन नहीं हमारे समाज में। अरे भाई होता होता होगा, जल्दबाजी क्यों करते हो, चलते थे काम चलता है, प्राइमरी चल गई है, समण समणियों को भी लोग बदनामी नमन स्वामी कहते हैं, बराबर नमस्कार करते हैं, इतना महत्व बड़ा है इन बातों का। तो दोनों दृष्टि से साधु बने, आत्मशुद्धि करे, और साधु न बन सके वो साधुओं के साधना में सहयोगी बन के अपनी आत्मशुद्धि करे। पर भाइयों ये काम कठिन बहुत जटिल बहुत है, साधु बनना सीधा है, निभाना सबसे बड़ी कठिनता साधु जीवन में एक ही है, सबसे बड़ी कठिनाई एक है, वो क्या है, शियोषण चाई से निगंथे, शियोषण चाई से निगंथे, बोलो शियोषण चाई से निगंथे, ठीक सर ने बोले शियोषण चाई से निगंथे, शियोषण चाई से निगंथे, शियोषण चाई से निगंथे। एक परिभाषा निर्गंध के दिए, एक ही परिभाषा बड़ी सबसे बड़ी परिभाषा है, क्या सर्दी गर्मी को सहन करने वाला निर्गंध होता है। चाय का मतलब त्यागी नहीं है, चाय का त्यागी नहीं सह, सर्दी गर्मी को सहन करने वाला निर्गंध होता है। सर्दी का मतलब क्या, अनुकूल प्रतिकूल को सहन करने वाला निर्गंध होता है, सहन करना पड़ेगा, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन किए बिना साधना नहीं होती, बंधनी नमस्ते नहीं बन सकता, वो अच्छी बात है।